क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने अच्छे से अच्छे रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए आज हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम मीठी सेवइयाँ बनाने वाले हैं। ये हमने नॉर्मल सेवई जो आता है वो लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स और चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई गर्म होने रखा था, गर्म हो गया है। इसमें हमने कुछ अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो आपको जो पसंद है उस तरह का ड्राई फ्रूट्स लीजिए और छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद देख सकते हैं कि मैंने इसमें घी नहीं डाला है और एकदम ही स्लो फ्लेम में इसे हम एक मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि ये ड्राई फ्रूट्स अच्छा सा क्रंची हो जाए। तो इसे हमने रोस्ट करके निकाल लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। और उसी कढ़ाई में हमने एक बड़े चम्मच घी ऐड करना है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी देख सकते हैं बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी फटाफट बनने वाली है। तो इसमें हमने जो सेवई लिया है एक बाउल, उसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भून करके रेडी कर लेते हैं। ये सेवइयाँ काफ़ी अच्छा सा भून गया है, एकदम ही हमने लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भून लिया है। इनको अच्छा सा निकाल लेते हैं बाहर। ये बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, अपने फीडबैक कमेंट हमें ज़रूर ज़रूर दीजिए। तो जितनी सेवइयाँ रह गई है उसे हम छोड़ देते हैं और जितनी हमने सेवई ली थी उसी कटोरी से उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। देख सकते हैं कि एक कटोरी हमने सेवई ली थी तो एक कटोरी पानी हमने डाला। और आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप चीनी ऐड कीजिए। हमने यहाँ पे चार बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है और इस चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट होने देते हैं। चीनी मेल्ट हो गया है, इसमें हम ये इलायची पाउडर लिए उसे ऐड कर देते हैं और इसमें हम ये जो सेवइयाँ को भून के लिया है इसे भी डाल देती हूँ और इसे हमें एकदम ही स्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से खुले में इसे दो मिनट के लिए पकने दीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से एक दो बार स्टर कर दिया कीजिए। तो देख सकते हैं कि सेवइयाँ पूरा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ 2-3 ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर का यूज कर रहे हैं जिससे कि इस सेवइयों में काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। ये क्या होगा कि ये जैसे जैसे सेवइयाँ थोड़ी ठंडी होगी और खिली खिली हो जाएंगी। तो इसे हम गैस को बंद कर दिए हैं और ठंडा होने का थोड़ा वेट करते हैं। इसी स्टेज पे थोड़ा हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से रोस्ट करके रखा है उसे डाल देती हूँ, बाकी को बाद में हम ऊपर से गार्निशिंग में यूज करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद इसे हम नीचे रख लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने तक का वेट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है, देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली सेवइयाँ बन करके रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से बनाइए और अपने फीडबैक भी हमें दीजिए कि आपको इस तरह का मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आप अपने फीडबैक कमेंट हमें ज़रूर दीजिए जिससे कि मुझे नई नई रेसिपी बनाने के लिए अच्छा सा, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब आप इस तरह से कमेंट करते हो क्या बनाना है करके। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर रेडी हो गई। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उसके ऊपर से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत ही अच्छा और काफ़ी टेस्टी ये सेवइयाँ बनकर के रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।